चलिए आपको बता दें, भंडा में कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी और पूर्व विधायक नारायण प्रजापति भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बरा चौराहा पर आम सभा को संबोधित किया। विधायक ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार में किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही थी। शिवराज सरकार किसान विरोधी सरकार है। सागर को बधाई सभी अतिथियों का। आज इस भारत जोड़ो यात्रा में हर लोग अंदर अभिनंदन है समाज को। अगर दो एकड़ का किसान है, पांच एकड़ का किसान हो, चाहे दस एकड़ का हो, चाहे पचास एकड़ का किसान हो, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय किसान एक ही दिन सोसाइटी में जाता था और भरपूर पर्याप्त, चाहे डीएपी खाद हो चाहे यूरिया खाद हो, एक ही दिन में उसे पर्याप्त खाद मिल जाता था और दूसरे दिन वो अपनी बोनी शुरू कर देता था। लेकिन आज हालात ये है कि 15 दिन से हमारे बंडा कृषि उपज मंडी में खाद का वितरण हो रहा है, लेकिन आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिली। अरे जवान जो रक्षा करता है देश की, बॉर्डर पर रहता है, उसकी तुम रक्षा नहीं करते हो, किसान को गोली मारते हो, जवान हमारे मरते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हो और एक खतुआ दाव लगाते हो तुम। वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश अलग कर दिया था और पूरे देश को टुकड़े कर दिए थे, वो कांग्रेस पार्टी है। कभी दाव मारते हो, थप्पड़ी ठोक के हाथ चलाना चाहिए।